फिर से आपका स्वागत है। तो चलो चपाती खा, उसके बाद मौसम्बी खाना चाहिए। मैं ये बोलने वाला था यार। और आज हम रिएक्शन देने वाले अपने फेवरेट एनिमेटर पर, जो कि नॉट योर टाइप। पर क्या बंदा यार, एकदम लेजेंड है। उसकी पिक्चर, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, म्यूजिक, एनिमेशन, कैरेक्टर सिलेक्शन और हीरोइन की माँ से बदला लेना, 20 साल बाद आके विलन को मारना और हीरोइन की छोटी बेटी की शादी कराना, डाकुओं से गाँव को बचाना, जो भी करता है वीडियो के अंदर एकदम लेजेंड है यार। पूरा फ्लो में और एकदम फनी। और वीडियो का टाइटल है एवरी इंडियन कॉलेज। के बनने से पहले प्लीज, ये चौबू बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ है, इसकी हेल्प करवानी है आपने। 10 मिलियन तक लेके जाना है इसको। हाँ, 10 मिलियन। ये पीछे मेरे बैठा है यहाँ पर, इसकी आपने हेल्प करवानी है, इसको आपने 10 मिलियन तक ऊपर आना था, ऐसे ऊपर। तो अभी 1 साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे तो अपने मोहल्ले के शौंटी भैया बनना है यार, जिनके दांत है वाले। मोहल्ले के अंदर मेरे को याद है ब्रो, मोहल्ले को तो पता नहीं, कॉलेज के अंदर थे एक भैया जी, मेरे को बस वही बंदा कॉलेज के एकदम से कूल डूड, एकदम चेनिया डाल के हाथ के मेरा अंगूठिया और इशारा है कि और सामान आ रहा है। लेकिन वो बता रहा कि वो अपने खतरनाक वाले अंगूठियों वाले चेनिया वाले बंदे, 2 दिन बाद टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया। तो यार वो बनना नहीं बनना मेरे को नहीं पता। जिनके दांत है व्हाइट, बुंड है टाइट और जिन्हें पसंद है बाइक। लेट्स गो। चल अब निकल चलती बाइक से उतर के फटका मार के सीधा बाइक ही फोड़ दी। शांति, लेट्स गो भाई। शांति भैया, ये ले 20 रुपए। भाई 20 रुपए ऐसे ही बांट रही है। तो कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे। भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के, ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टॉफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा का कर रोएगी। ये मेरे को फ्लिंस्टोन वाला बंदा लग रहा है कसम से। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाज आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये, ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। पागल, तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर, 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है पेट भरता है। सुन रहे, तू मेरी बात भी सुन रहे। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। तुम्हारी क्लास में लॉन्डो के ग्रुप बन रखे होते हैं। और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लॉन्डो में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। प्रोफेसर मिलते आपसे बाहर, और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था, कोई नहीं आया प्रोफेसर वो। हाँ मेरी जान।
तू इसे लेके? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा अच्छा, बात बात कर ले। कसम से बता रहा हूँ, ये बंदा स्ट्रीट फाइटर में होता है, वैसे जो मारता था होक ऑन फायर, ये लिटरली वही बंदा है। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो, और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोनी कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है। यार चेन लेके आ रही है, ये मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। फिर लक्की और समीर, वो देखो साड़ी पहन के भी आ चुकी है। नाइस, कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी, और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। साला संपत्ति नहीं पड़ता कर क्या रहे? इधर तुम्हें भी कुछ संपत्ति नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है, जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करके वो 2 बना देता है, टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल्स से मिलेगी, और स्किल्स तुम्हें मिलेंगे प्रमोशन आने वाला है। अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेन कैरेक्टर मेरे बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई? अरे नहीं, बेंच वाले चिंगम खा गया यार, वो कितनी गंदी होगी। उतने में तुम्हारा चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। ओए ओए सुन, ओए चिंगम, सुन मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो वहाँ। उसको उसको बोला था कि हथियार लेके आना, वो उधर लेके आ चुका। अरे यार, ताकि पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है, लगाना चलना, हाथ लगाना। पागल क्या किया ये, तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा। ऑफिस उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा। सुसु आ गई। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है, 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़िया खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गरम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गरम कचौड़िया खिलाओगे और अगर साथ में चटनी भी रहेगी और हरी मिर्ची की, तभी कुछ हो सकता है। ऑर्डर दे रहा है क्या ये? अब जो तुम्हें 200 रुपए महीने भर के लिए पॉकेट मनी मिल रही होती है, वो भी इस काम में चले जाती है। और तो और तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे, 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं, और ये जो 0.1% है ना, ये भी लड़का ही है, बस इस साली की हरकतें लड़कियों वाली है, जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। मनमोहन तूने देखा ना मनमोहन, मैंने अभी क्या किया, इसे पैसा ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तूने किया? नहीं तो मोनू भाई, मैंने कल एक विकराल बेताल करके वेब सीरीज देखी थी भाई, उसके अंदर एक बेताल नाम की चुड़ैल ना पेट पर चिपक जाती है, मेरे पीछे बेताल चिपकी हुई है क्या? हाँ रे बंटे, चिपकी होगी, वैसे ये हर संडे रविवार क्यों होता है? बेताल है, बेताल है मेरे पीछे। मैंने हरा दिया, मैंने बेताल को हरा दिया। अब इतना सब फेस करने के बाद तुम्हें समझ तो आ जाता है कि तुम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं जी रहे हो, ऐसा लगता है टेलीग्राम से कोई सीरीज चोर के डाउनलोड की गई है, उसके कैरेक्टर जैसी जिंदगी है तुम्हारी। वैसे चोरी हुई मूवीज और सीरीज से याद आया, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी वेबसाइट पे गए कोई मूवी या वेब सीरीज चुराने, और तुम देखते हो कि उस वेबसाइट के कोने में कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर तुमसे मिलना चाहती है, उस समय तुम अपनी असली हैवानियत दिखाते हो। एक औरत, एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर, लेकिन तो कभी क्लिक नहीं करता। 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोंटू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई लक्की द रेसर पार्ट 6। बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। ओए कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है। अरे ये फेक है। अबे पागल है क्या, उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो? चल मेरे साथ अभी अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता, और अभी रात के 3 बज रहे हैं।
वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर लग नहीं नहीं बंद कर दे अभी, बंद कर दे प्लीज अभी। ठीक कर दिया। रूपा अब 1 किलोमीटर दूर है, लगता है रूपा खुद ही हमसे मिलने आ रही है। ओए तेरा नेट तो बंद है, फिर मैसेजेस कैसे आ रहे? एक काम कर तू फोन फोन बंद। रूपा और हमारी लोकेशन अब सेम है। हेलो की एनिमेशन में हमेशा देख के हंसता हूँ और मेरे को पक्का पता की एनिमेशन देख के हमेशा आप भी हंसते होगे। तो चलिए छोटी सी वीडियो में तेरा काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।